नोएडा के सेक्टर 16 में बने बिजली मुख्यालय पर ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने बिजली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बिजली सबका अधिकार है, लेकिन विद्युत विभाग गरीब वर्ग के लोगों की कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों में बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त है। जबकि मोदी सरकार द्वारा बिजली के लिए सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत सभी घरों को बिजली कनेक्शन देने का वादा किया गया है, इसके बावजूद भी बिजली अधिकारी ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर सोमवार को ग्रामीण विकास समिति के लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीण विकास समिति के संयोजक गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि हिंडन पुस्ता के आसपास बसी मजदूर बस्तियों कॉलोनियों में बिजली विभाग सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय व ज्योति योजना के तहत बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिससे सैकड़ों गांव के लोग बिजली न मिलने से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर बिजली विभाग के अधिकारी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो यह आंदोलन पूरे गौतम बुद्ध नगर में विकराल रूप धारण कर लेगा और यह धरना अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल की माने तो उनका कहना है कि जिस क्षेत्र के लिए ये लोग बिजली कनेक्शन की मांग कर रहे हैं वो क्षेत्र या तो दूर क्षेत्र में आता है या फिर अधिग्रहित है, जहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां बना दी गई है। जिस योजना की ये सभी बात कर रहे हैं वो योजना सिर्फ ग्रामीण इलाके के लिए है, जबकि ये इलाके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसीलिए इनकी मांग पत्र के अनुसार बिजली कनेक्शन देना संभव नहीं है। फिर भी इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है।